नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, एंड दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। बेसिकली ये जो बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लोग सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट वाला जो टॉपिक है उसी में ही सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। और जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में जो सीरीज सॉल्यूशन को स्टडी किया था, तो सीरीज सॉल्यूशन में हमने दो केसेस देखे थे। जब x is equals to 0 एक ऑर्डिनरी पॉइंट होता है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन, एंड जब x is equals to 0 एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन। तो स्टूडेंट ये जो बेसल इक्वेशन है वो सेकंड केस से सॉल्व होती है जब x is equals to 0 एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। और आप ये जानते हैं कि जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए x is equals to 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है तो उसका जो सोल्यूशन होता है हम कुछ अलग तरीके से कंसीडर करते हैं स्टूडेंट। तो आज हम लोगों को इस डिफरेंशियल इक्वेशन को उसी तरह से सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करूंगा स्टूडेंट, बिकॉज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की केस में डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो कैसे निकाला जाता है ये आप लोगों को अच्छी तरीके से आता है। मैं यहाँ पे आपको कुछ शॉर्ट में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बताऊंगा, बिकॉज ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक अलग से टॉपिक होता है अक्सर कई सारे यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में, दैट्स व्हाई हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट x is equals to 0 is regular singular point for 1, so consider its series solution. तो इसका जो सीरीज सॉल्यूशन है आपको याद होगा, हम लोग सब ये कंसीडर करते हैं a नॉट x रेस टू द पावर m, a1 x रेस टू द पावर m प्लस 1, a2 x टू द पावर m m प्लस 2 प्लस a3 x टू द पावर m प्लस 3, a4 x टू द पावर m प्लस 4 एंड सो ऑन। ठीक, इस तरह से हम लोग इसे कंसीडर करते हैं। देन इसके बाद में जो अगला मेथड स्टेप होता है स्टूडेंट, वो स्टेप ये होता है कि हम यहाँ से dy by dx की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, dy by dx की वैल्यू निकालते हैं, d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, और ये जो वैल्यूज होती हैं y dy by dx d2y by dx इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 में, ओके, पुट देम इनटू 1, ओके, इन्हें 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट, तो एक इक्वेशन बनता है लंबा सा, एंड दैट इक्वेशन इज व्हाट, वो इक्वेशन जो बनेगा स्टूडेंट वो कुछ इस तरह से होगा स्टूडेंट, क्या a naught m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर x रेस टू द पावर m, राइट, x रेस टू द पावर m प्लस a1 bracket m plus 1 whole square minus n square x raised to the power m plus 1, okay, m plus 1 plus a2 m plus plus a2 again a bracket a2 m plus 2, yes, m plus 2 whole square, बल्कि ये a2 यहां पर आएगा स्टूडेंट, ये ब्रैकेट, ये a2 m plus 2 whole square, okay, minus n square bracket close and plus a naught bracket x raise to the power m plus 2 and plus so on is equals to 0 स्टूडेंट। तो जब हम लोग स्टूडेंट ये यहां से y dy by dx d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं तो हमारे पास में ये इक्वेशन आता है। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब इस केस में किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं बाय सीरीज मेथड, और उसमें भी ये केस हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं, तो जो रिजल्ट हमारे पास में ये आया है इसमें जो x की लोएस्ट डिग्री होती है उसके कोफिशिएंट को हम इक्वल टू 0 बनाते हैं स्टूडेंट, ओके। तो
तो उससे जो इंडाइसल इक्वेशन मिलती है उसके रूट्स के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन वन का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा। तो इसमें ये जो है, इसमें जो इंडाइसल इक्वेशन बनेगी तो उसमें हमें एक्स रेस टू दी पावर एम, क्योंकि यही सबसे लोएस्ट डिग्री है इस केस में, तो इसके कोफिशियंट को हम लोग जब इक्वल टू जीरो रखते हैं इक्वल इंडाइसल इक्वेशन, तो वो इंडाइसल इक्वेशन स्टूडेंट मिलती है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, लोएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशियंट को इक्वल टू जीरो करने पर। तो यहां से हमारे पास बच्चों एम इज इक्वल टू आता है प्लस माइनस एन, तो हमारे पास n की दो वैल्यूज आई हैं स्टूडेंट, प्लस माइनस n, और यहाँ पर अब जो सोल्यूशन है आगे वो इस n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो जब हमारे पास n की जो दो वैल्यूज आ गई हैं प्लस माइनस n, तो हम फर्दर आगे जो दूसरे कोफिशियंट्स हैं a1 a2 a3 इन सब की वैल्यूज भी निकालते हैं, और उसके बाद में फिर हम हर m की वैल्यू के लिए, हर m की वैल्यू के लिए दो अलग अलग सोल्यूशन बनाते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। एंड जब हम लोग इसमें दूसरे जो कोफिशियंट्स हैं उनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये जो x की डिफरेंट डिफरेंट अदर डिग्रीज हैं इनको जब इक्वल टू जीरो करते हैं स्टूडेंट, तो हम लोगों के पास में कुछ खास रिजल्ट्स आते हैं कुछ इस तरह से स्टूडेंट, कि जो a1 है वो जीरो हो जाता है, जो a3 है वो जीरो हो जाता है, जो a5 है वो जीरो हो जाता है स्टूडेंट। तो ये सारे जो रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट इस तरह से जीरो हो जाते हैं जितने भी ऑड वाले हैं, ठीक है ना। और हमारे पास में a2 a4 इन सब की कुछ वैल्यूज आती हैं, हमारे पास में a2 इज इक्वल्स टू आएगा स्टूडेंट, यहां से जब हम वैल्यू निकालेंगे a2 की, तो a2 इज इक्वल्स टू माइनस a0 अपॉन m+2 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास a2 की वैल्यू आएगी। a4 की वैल्यू आएगी स्टूडेंट हमारे पास में माइनस a4 is equals to minus a2 upon m plus 4 whole square minus n square etc, है ना। तो यहां पर हम लोग a2 की वैल्यू, यहां से ये वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, तो a4 फाइनली हमारे पास आ जाएगा। तो ये a2 a4 a6 इसी तरह से निकालेंगे, तो हमारे पास में जो y आएगा स्टूडेंट, what the y is equals to a naught x raised to the power m bracket, it's a 1 minus 1 upon 1 upon m plus 2 whole square minus n square x square it's a plus because यहाँ पर जब a2 की वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इट्स अ प्लस 1 upon m plus 2 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ब्रैकेट, फिर अनदर ब्रैकेट इट्स अ m plus 4 होल स्क्वायर एंड माइनस n स्क्वायर, ठीक, माइनस n स्क्वायर एंड माइनस सो ऑन। तो स्टूडेंट ये हमारे पास में y की वैल्यू आ जाती है, और जब इस y की वैल्यू में हम लोग इस m की दो अलग अलग वैल्यूज रखते हैं, ये m because m की हमारे पास दो वैल्यूज आई है प्लस माइनस n, तो इसके लिए हमें y की दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, और वो जो दो y की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी वास्तव में उन्हीं को मिला के हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो बनता है। ठीक, कंप्लीट Solution of one कैसे बनेगा स्टूडेंट, y is equals to y when not y it's a c1 y when m is equals to n plus c2 y when m is equals to n minus n, ठीक है ना। तो इन दो अलग अलग y की वैल्यूज के लिए, सॉरी m की वैल्यूज के लिए जो हमें y मिलेगा उन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है दैट्स इट, दैट इज द आवर सॉल्यूशन। तो इस तरह से कंप्लीटली ये बेसल सॉल्यूशन, जो बेसल इक्वेशन है वो सॉल्व होती है स्टूडेंट। तो नाउ इस तरह से हम लोग बेसल इक्वेशन तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो y एट m इज इक्वल टू n और y एट m इज इक्वल टू माइनस n आता है, इसके अपने आप में इंपॉर्टेंस होते हैं, बिकॉज
ये जो y है यही y इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू n पर हमें एक फंक्शन देता है, एंड दैट फंक्शन, उस फंक्शन को हम लोग बेसल फंक्शन कहते हैं अगर उसमें हम लोग इस a नॉट की एक खास वैल्यू असाइन कर दें। तो आइए जरा शॉर्ट में हम लोग बेसल फंक्शन को और समझ लेते हैं कि व्हाट इज द बेसल फंक्शन, ठीक है ना। आइए देखें, ये स्टूडेंट, तो जब हम लोग यहाँ y में, ये जो y हमारे पास आया, इस y में m इज इक्वल्स टू n सब्सटीट्यूट करते हैं स्टूडेंट, तो सिंपलीफाई करने के बाद, मतलब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है और फिर ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं इन टर्म्स को सॉल्व करना है और सिंपलीफाई करना है। तो इनको सिंपलीफाई करने के बाद में हमें y इज इक्वल्स टू कुछ इस तरह से मिलता है स्टूडेंट, व्हेन m इज इक्वल्स टू n, इस पर y इज इक्वल्स टू मिलेगा स्टूडेंट a नॉट a नॉट x रेस टू द पावर n ब्रैकेट, इट्स अ 1 माइनस 1 अपॉन 4 n प्लस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, 1 अपॉन 4 स्क्वायर फैक्टोरियल 2 n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 1 n प्लस 2 x रेस टू द पावर 4 एंड प्लस, इसके आगे और बढ़ेंगे स्टूडेंट तो इसी तरह से हम लोगों को मिलेगा 1 अपॉन, सॉरी माइनस, इट्स अ 1 अपॉन 4 क्यूब फैक्टोरियल 3 एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3 एंड एक्स रेस टू द पावर 6 एंड प्लस सो ऑन। तो ये जो इक्वेशन आई है स्टूडेंट, ये हम लोगों को तब मिली है जब y इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू n है स्टूडेंट, और जब हम लोग इसमें m इज इक्वल्स टू माइनस n सब्सिट्यूट करते हैं तो हमें मिल जाता है y इज इक्वल्स टू a नॉट x रेस टू द पावर n ब्रैकेट x रेस टू द पावर n माइनस n ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस n प्लस 1 प्लस, नॉट प्लस, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर फैक्टोरियल 2 माइनस n प्लस 1 माइनस n प्लस 2 x रेस टू द पावर 4 एंड माइनस 1 अपॉन 4 रेस टू द पावर 3 फैक्टोरियल 3 माइनस n प्लस 1 माइनस n प्लस 2 माइनस n प्लस 3 x रेस टू द पावर 6 एंड सो ऑन। तो n की अलग अलग वैल्यू के लिए स्टूडेंट हम लोगों को अलग अलग जो है वो y की वैल्यूज मिली स्टूडेंट, और जब इस y, ये जो पहला वाला है स्टूडेंट जिसमें x m इज इक्वल्स टू n सब्स्टिट्यूट किया है, अगर हम इसमें सपोज दैट ये हमारे पास में 3 है एंड ये हमारे पास 4 है, जब हम इस 3 में पुट a naught is equals to, put a naught is equals to student 1 upon 2 raised to the power n, 1 upon 2 raised to the power n and gamma n plus 1, jab hum is 3 mein student into 3 then it is called Bessel's function, then that is called Bessel's function of the first kind, Bessel's function of the first, Bessel's function of the first kind of order of order n कहते हैं स्टूडेंट, and it is denoted by j n x, and it is denoted by j n x, और j n x की वैल्यू जो होती है स्टूडेंट वो कुछ इस तरह से बन जाती है फिर, ठीक है ना। ये यहाँ पर हम लोग a नोट की वैल्यू अगर ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है स्टूडेंट, व्हाट वी गेट, यस,
वी गेट यस एक्स रेस टू द पावर 2। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा जे एन एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट की वैल्यू यहाँ पर रखो तो x की पावर n और 2 की पावर n, तो ये x अपॉन 2 रेस टू द पावर n को तो बाहर कर दो और बाकी इस गामा n प्लस 1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो इट बिकम व्हाट, इट बिकम 1 अपॉन गामा n प्लस 1, यस 1 अपॉन गामा n प्लस 1 माइनस ये 4 है स्टूडेंट, ठीक, तो इट्स 1 अपॉन 4 इज ओके एंड n प्लस 1 और ये गामा n प्लस 1, तो इट बिकम व्हाट, इट बिकम गामा n प्लस 2, ठीक है ना, गामा n प्लस 2 x by 2 whole square, मतलब ये 4 को भी हमने यहाँ पर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है स्टूडेंट। नाउ प्लस ये बन जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई होके गामा n प्लस 1 के साथ, इट बिकम 1 अपॉन गामा n प्लस 3 और ये फैक्टोरियल 3 साथ में चल रहा है, ठीक है ना, और आई थिंक सॉरी इट्स फैक्टोरियल 2, इट्स अ फैक्टोरियल 2 स्टूडेंट, इसे यहाँ पर फैक्टोरियल 1 बना सकते हैं हम लोग ये सुविधा के लिए, गामा n प्लस 3 ठीक है ना, गामा n प्लस 3 x अपॉन 2 रेस टू द पावर 4 है ना, कैसे ये 4 रेस टू द पावर 2 चल रहा था स्टूडेंट, तो इसे हम लोग 2 टू द पावर 4 भी कर सकते हैं, तो ये इसके साथ मर्ज होके x अपॉन 2 रेस टू द पावर 4 बन गया, और इसके अगले वाला जो टर्म होगा इट्स अ 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 गामा n प्लस 3 सॉरी इट्स नॉट गामा n प्लस 3 इट्स अ गामा n प्लस 4 x बाय 2 रेस टू द पावर 6 एंड सो ऑन स्टूडेंट, ठीक, ये कुछ इस तरह से बना स्टूडेंट, जे एन एक्स लिखा जा सकता है जे एन एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट व्हाट, जे एन एक्स कैन बी रिटन एज, ठीक है, क्या लिखा जा सकता है जरा ध्यान दीजिएगा कि हर बार ये एक्स रेस टू द पावर एन चल रहा है आगे, ठीक है ना, गामा बढ़ते जा रहा है और अल्टरनेट साइन है, पहले प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है, तो व्हेन वी स्टार्ट जे एन एक्स इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू आर इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन रेस टू द पावर आर माइनस वन रेस टू द पावर आर, ये देखिए पावर हर बार 2 के उससे बढ़ती जा रही है, तो इट्स एक्स अपॉन 2 रेस टू द पावर एन तो रहेगी रहेगी और फिर हर बार 2 बढ़ती जा रही है, तो इट्स 2r एंड अपॉन में 1 अपॉन फैक्टोरियल r, ये हर बार r फैक्टोरियल बढ़ता जा रहा है, यहाँ 0 मतलब 1 फिर 1 2, तो ये हर बार फैक्टोरियल n r बढ़ रहा है और गामा n प्लस 1 ठीक r इज इक्वल टू 0 पर फिर 2 पर इतना फिर इस पे इतना, तो इट मींस दैट कि ये कुछ इस तरह से बढ़ रहा है गामा n प्लस 1 प्लस आर, तो इट्स अ गामा एन प्लस आर प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज द ये दिस वन दिस इज द व्हाट दिस इज द बेसल्स फंक्शन ऑफ nth ऑर्डर ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, तो ये बेसल्स फंक्शन है और जब हम इसमें इसी में ही जब हम लोग n की जगह माइनस n रख देते हैं स्टूडेंट, यानी कि ये सेकंड वाला केस जब ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो इट बिकम व्हाट जे एन एक्स इज इक्वल्स टू समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 रेस टू द पावर आर एक्स अपॉन 2 रेस टू द पावर माइनस एन प्लस 2 आर 1 अपॉन फैक्टोरियल आर एंड गामा माइनस एन प्लस आर प्लस 1, ठीक है ना, और आप ये जानते हैं कि ये जो फंक्शन है जो सेकंड वाला है ये वाला दिस वन ये सेकंड वाला का तभी डिफाइन होगा जब हमारे पास में r प्लस 1 की वैल्यू इस माइनस n से बड़ी हो उस पॉइंट, ओके, तभी ये यहाँ पर डिफाइन होगा। तो स्टूडेंट ये हम लोगों ने बनाए क्या, ये हम लोगों ने बनाए बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, और ये जो सेकेंड वाला होता है स्टूडेंट
इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग बेसल्स, इसे बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर माइनस एन, ऑफ ऑर्डर माइनस एन। वो प्लस एन ऑर्डर का था, ये माइनस एन ऑर्डर का था। तो ये आया बच्चों बेसल्स फंक्शन। बेसिकली जो बेसल्स फंक्शन बनता है वो और कुछ नहीं, जो बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जब सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करता है तो जो इंडाइसल इक्वेशन का रूट आता है उसी रूट की स्पेशल वैल्यू पर वाई जो है वो बेसल्स फंक्शन बन जाता है, और वो भी किस स्पेशल वैल्यू पर? व्हेन एम इज इक्वल्स टू एन हो तो उस स्पेशल वैल्यू पर इट बिकम बेसल्स फंक्शन, है ना। इसके बाद में स्टूडेंट कई सारे जो रिलेशंस होते हैं बेसल्स फंक्शन के ऊपर वो भी आप लोगों को पढ़ने होते हैं स्टूडेंट, तो इट्स वेरी इजी। जैसे यहाँ पर मैं कुछ एक दो एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे कुछ प्रूफ आपको करने पड़ते हैं, जैसे प्रूफ दैट, ऐसा आ जाता है कभी कभी, प्रूफ दैट जे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दी पावर एन जे एन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू दी पावर एन जे एन माइनस वन एक्स स्क्वायर, है ना। तो इस रिलेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो जे एन एक्स है, यानी कि ये जो जे एन एक्स है इसमें एक्स की पावर एन का आप मल्टीप्लाई करें, जो भी रिजल्ट आएगा उसे जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू द पावर एन, उसमें से आप बाहर निकाल सकेंगे, और जो भी एक्स रेस टू द पावर एन को बाहर निकालने के बाद बचेगा वो जे एन माइनस वन एक्स होगा। और इस जे एन माइनस वन एक्स का मतलब क्या है कि ये जो जे एन एक्स है इसमें एन की जगह माइनस एन माइनस वन हो जाएगा, यानी कि यहाँ एन माइनस वन हो जाएगा, यहाँ एन माइनस वन हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा डिफरेंशिएशन करना है और थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना है। सिमिलरली एक ये एग्जांपल है स्टूडेंट, इसे भी आप देखें जरा, दिस वन। इसमें आपको क्या प्रूफ करना है? इसमें आपको प्रूफ करना है कि जे एन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2n ब्रैकेट ब्रैकेट j n माइनस 1 x एंड प्लस j n प्लस 1 x। इट मींस दैट कि अगर हम j n माइनस 1 x में j n प्लस 1 x को ऐड करें और उसमें x अपॉन 2n को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो दैट इज इक्वल्स टू j n x। इसी तरह से कुछ और भी आइडेंटिटीज होती हैं बेसिस फंक्शंस के लिए, तो उन आइडेंटिटीज को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बाय मेल, बाय हाइक और व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हमने एक छोटी सी क्लास में इस टॉपिक को फिनिश करने की कोशिश करी है, बट ये आपके लिए हेल्पफुल होगा ऐसे मुझे उम्मीद है स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।